रेट आधा करेंगे और जो गरीब आदमी है 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। और जो हमारे बुजुर्गों की सम्मान पेंशन है, जो 5 साल तक इन्होंने उनका जिस किस्म से मजाक उड़ाया है, कभी पेंशन टाइम पे देते नहीं और फिर वायदा कुछ किया था, बनने के बाद क्या दिया और फिर 200-200 रुपए बढ़ा रहे हैं, जैसे बकरी मींगन करती है ना, ऐसे कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने पहले भी 100 से ऊपर लेके थे, 1000 तक लेके थे, 1500 तक। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की तो भाई अपने आपको ये एक और बात याद होगी, आज और उनके साथ तमाशा हो रहा है, कोई मेरा बुजुर्ग बीमार हो, खाट पे ना उठ सकता हो, पेंशन लेनी हो तो खाट समेत बैंक में लेके जाना पड़े। हमने खाट पे दिलवाई थी कि नहीं, खाट पे दिलवाई थी, 10 साल तक खाट पे पेंशन मिली उनको, तो भाई फिर खाट पे दिलवाएंगे और बनते ही पेंशन जो मेरे बुजुर्ग की 5100 रुपए करेंगे, 5100 बूढ़े के और 5100 बुढ़िया के। और एक और बात बताऊं आपको, कर्मचारी 58 साल का रिटायर हो जाता है तो बुढ़ापा पेंशन 60 साल से क्यों, इसको भी 58 साल करेंगे और महिला के लिए 55 साल करेंगे, जो बेचारी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको 55 साल। और जो महिलाएं गरीब बीपीएल परिवारों की जो चूल्हा चौकी का काम करती हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस हर बीपीएल महिला के घर जो चूल्हा चौकी का काम करती है उसके नाम सीधा 2000 रुपए महीना भेजेंगे ताकि उसको मिले, 2000 रुपए महीना महिला को देंगे। और महिलाओं के लिए किसी को अपनी ससुराल जाना पड़ता है, किसी को अपने घर जाना पड़ता है, तो भाई महिलाओं के लिए हरियाणा रोडवेज फ्री। देखो, और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके छात्रों को ही, बच्चों की हमने जो वजीफा शुरू किया था पहली जमात से, और इन्होंने जो गड़बड़ कर दिया, हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो भाई शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पहली जमात से, पहली से 12वीं तक हम जो है 10,000 रुपया सालाना देंगे और 12वीं से ऊपर 15,000 रुपये देंगे ताकि उनके उसके, और जो ये कहते हैं साफ सुथरा हरियाणा होना चाहिए, अरे वहां तो तुम सफाई कर्मचारी तो लगाते नहीं, वो तो कच्चे लगा रखे हैं। हमने एक कलम से, आपको याद होगा, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे ना, और आज हम वायदा करते हैं आपसे कि एक कलम से सरकार बनेगी, 50,000 सफाई कर्मचारी लगाएंगे 35,000 गांव में और 15,000 शहर में। और जो आपका, जो मैंने कहा आपको बेरोजगारों के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया है सरकार ने, क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी में सबसे ऊपर चला गया, फिर कहे हमने सरकारी नौकरी बड़ी दी है, भाई कैसे दी है, एम कॉम किए हुए वो बच्चे क्या लगाए भाई इन्होंने। एक मैं अभी भिवानी गया था थोड़े दिन पहले, और रेस्ट हाउस में हमने मीटिंग की तो 5 आदमी आए मेरे पास, वो कह रहे जी बहुत अन्याय हो रहा है। मैं क्या हो गया, एक हमारी बेटी जिसने एमए कर रखा था उसको भिवानी रेस्ट हाउस में पानी पीने की वो लगा रखा है, तो वो बोली जी हमारे तो पता नहीं था, वो बेटी पानी लेके आई हमारे लिए, हमारे को बताया किसने भाई एमए है पानी ले, तो हमने हाथ जोड़ के कहा बेटी पानी अपने आप ले लेंगे हम, तुम निकल। ऐसा भद्दा मजाक किया, और उससे क्या हुआ, उससे दोहरा नुकसान हुआ है, जो गरीब बच्चे जो कम पढ़े हुए थे 10वीं 12वीं से ज्यादा कर नहीं सकते थे, उनको लगना था वहां, वो तो वंचित हो गए, और जो लगाए हैं वो अपमानित हो गए। मैंने कई बार कहा कि भाई सफेद पत्र जारी करो, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है जो लगाए तुमने, आधे से ज्यादा तो गए ही नहीं।
मतलब देखो ना, जहां पढ़े लिखे बच्चे हो उनको तो आप बेलदार चपरासी लगाओ, जहां पढ़े लिखे ना इंजीनियरिंग की बात हो, अभी मेरे पास आरटीआई का वो है, 80 इन्होंने एसडीओ लगाए बिजली बोर्ड में, उसमें से हरियाणा के कितने, दो, 78 बाहर के। तो भाई जो बाहर के वालों को लगाता उनको बाहर करो, इस सरकार को बाहर करो। और जो बेरोजगार से मजाक किया है, हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की तो भाई बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है उसको रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 10,000 प्रति माह देंगे। जो ग्रेजुएट हैं उनको या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी का 7,000 रुपया महीने देंगे जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। और भाई जहां तक सफाई कर्मचारियों की बात है ना, अपने कर्मचारियों की बात है, पंजाब का स्केल लागू करेंगे, और जो ये सेवंथ पे कमीशन है यू का यू लागू करेंगे, और अपना पुराना पेंशन लागू करेंगे, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, ये इनका तमाशा नहीं चलने देंगे। और एक जो भाई वरुण कह रहा था हमारा अजीज, चालान की बात कह रहा था, देखो अजीब बात, मोटरसाइकिल की कीमत 15,000, चालान 25,000, ट्रैक्टर की कीमत 60,000, चालान 1,00,000। अरे वाह भाई वाह, चालान तो अमेरिका जैसा और सुविधा पाकिस्तान से भी बदतर, ये कैसी सरकार है। तो ये जो बेकार का कानून है हम उसको खत्म करेंगे, ऐसा लागू नहीं होने देंगे। इस प्रकार से मैं आज खास तौर पे आया हूं आपसे निवेदन करने लिए, यहां से जो हमारे उम्मीदवार हैं वरुण, ये हमारे अजीज हैं, बहुत काबिल है, बहुत काम करने वाले हैं। मौलाना साहब ने भी बहुत काम किया, सेवा की आपकी है, तो ये भाई मौलाना साहब का सपूत है, ये भी काम का पूरा काम करेगा, और भाई हरियाणा की सरकार बनेगी, सरकार में साझीदार बनेगा ये। मेरे को पूरा भरोसा है, 36 बरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहां जिता के भेजोगे। हाथ खड़े एक ने बता दो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और भाई माफ करना, देर हुई, गर्मी बहुत थी, पसीना बहुत आ रहा है आपका, ये पसीना ही समझ लियो गंगा स्नान कर लिया तुमने, और ये खाली नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा हरियाणा। धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी, हुड्डा जी ने आपको अपना शुभ संदेश दिया, और साथियों अब आप सबका भी यहां पधारने पर हृदय की गहराइयों से कांग्रेस कमेटी